विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, सभी पार्टियां दमखम से चुनावी रणनीति में लग चुकी हैं। इसी क्रम में हम उन्नाव जनपद के भगवान नगर विधानसभा पहुंच चुका हूं, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित यहीं से विधायक हुआ करते थे। लेकिन अब जानते हैं यहां पर सीधा सीधा कुछ हमारे साथ में यहां के मतदाता हैं, तमाम गांव के लोग हैं। गांव के लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विधायक के द्वारा कितना विकास कार्य करा गया या नहीं कराया गया है। क्या नाम है भैया? बसंतलाल अम्बेडकर। अच्छा, क्या नाम है आपका? बसंतलाल। किस गांव में रहते हो? कटारी में। अच्छा, क्या लगता है आपके भारतीय जनता विधायक के द्वारा कितना काम हुआ है? भैया 5 साल में एक भी बार वोट दिखाने नहीं आए हैं। अगर उनको दोबारा टिकट मिलती तो उनका वही चेहरा मिलता कि उनको मुंह दिखाने वाले लायक न होते। इस बार किसकी सरकार? इस समय अब की बार जो है बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी, बहन मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी और हमारे भगवान नगर विधानसभा से ही विधायक बनेंगे। अच्छा, हमारे साथ साथ में सीधा बसपा के प्रत्याशी ब्रज किशोर वर्मा जी हैं। ब्रज किशोर वर्मा से हम जानेंगे कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा कौन ऐसे विकास कार्य नहीं हुए हैं जो अगर आप विधायक बनते हैं तो आपके द्वारा विकास कार्य कराए जाएंगे। जी भैया, आपका खबर इस पर बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये भगवान नगर विधानसभा बहुत हार्ड सीट मानी जा रही है उन्नाव जनपद की, क्योंकि इस विधानसभा क्षेत्र से हृदय नारायण दीक्षित यहाँ के विधायक और उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष थे। क्या लगता है आपकी किन मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा बहुत है, लेकिन मेन मुद्दा हमारे यहाँ देहात क्षेत्र के किसानों का। किसानों को दिन में घर तक और रात में खेत तक, अगर एक दिन भी अगर निमंत्रण चला गया तो उसका खेत खाली। समस्या सबसे जटिल किसानों के लिए यही है। किसान और कुछ नहीं मांगता, केवल उनके लिए ये आवारा जानवर है, इसकी व्यवस्था की जाए, जो कि गवर्नमेंट द्वारा सब चल रहे हैं लेकिन सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। दिक्कतें इस जगह पे हैं कि वो सुचारू रूप से अगर चलाए जाए तो ये दिक्कतें ना आए। अच्छा, क्षेत्र में आप काफ़ी लोकप्रिय नेता माने जा रहे हैं, यहाँ पे मतदाताओं से हमने बात भी किया है, लोगों को कहना है कि इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, तो क्या लगता है आप चुनाव जीतते हैं तो क्या किसानों के लिए करेंगे, क्या युवाओं के लिए करेंगे? क्या व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनती है तो इन पे सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा। इसलिए मेन मुद्दा, जब से देश आज़ाद हुआ स्वास्थ्य शिक्षा नहीं डिपेंडता, स्वास्थ्य शिक्षा एकदम धराशाही कर दी गई है। पढ़ाई के नाम पे जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो तो मॉन्टेसरी कॉन्वेंट और मोबाइल द्वारा पढ़ रहे हैं, और जहाँ वहाँ ग्रामीण स्तर की बात है वहाँ छोटे आदमी मोबाइल हाईटेक नहीं कर सकते, ना वो पढ़ पा रहे हैं, वो बेरोजगारी की तरफ ऐसे झोंके जा रहे हैं, बेरोजगार ना कह पाए, वो जमीने ही पे पड़े रहें यहीं गांव। तो इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं? चुनाव जीतना तो अलग बात है, लेकिन हम आप लोग देख रहे हैं लगातार, मैं छोटे आदमियों की बात करता हूँ, छोटे आदमियों की पार्टी में हूँ, बहन जी द्वारा मैं जो मानो यहाँ भेजा गया हूँ, 2 बार जिला पंचायत रहने के बाद इस बार मेरी सीट रिजर्व हो गई थी, मैं यहीं का रहने वाला हूँ लोकल का। जो आयतित लोग आते हैं बाहर से आए। अच्छा, यहाँ के मतदाताओं के लोगों का कहना है कि आप यहाँ से 2 बार जिला पंचायत पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, तो काफ़ी आपका क्षेत्र लोकल आप नेता भी माने जाते हैं, काफ़ी आपके क्षेत्र में लोगों के अंदर चाहत है, क्या लगता है अगर आप विधायक बनते हैं तो इसी तरीके से आप लोगों के अंदर खड़े उतरेंगे? वैसा 100% मैं केवल ये इलेक्शन पब्लिक की बदौलत लड़ रहा हूँ, और जब तक मैं अपने क्षेत्र में रहा हूँ मेरे क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसको मैंने जोड़ न दिया हो, या खरेंजे द्वारा या योजना के द्वारा। अगर 72 साल हो गए वो गांव जुड़ा नहीं था, खरंजा भी नहीं लगा था, मेरे क्षेत्र में कोई भी गांव ऐसा नहीं जो खरंजे से जुड़ न गया हो, तो मेरी प्राथमिकता है ये भाई। मैं अगर कुछ पढ़ के बन जाता तो मानता मैं बना, मुझको बना रही है पब्लिक, तो मैं पब्लिक का सर्वेंट हूँ। अच्छा, ऐसे कौन से विकास कार्य नहीं हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के द्वारा नहीं हुए हैं, जो आप अगर विधायक बनते तो आपके द्वारा किए जाएंगे? वैसा या देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कोई कार्य नहीं समझ नहीं आया किया गया, सब कागजों पे होते रहे हैं। लेकिन आपने
इंक्वायरी मायावती जी की भी सरकार देखी होगी कि अगर कहीं कोई सरकारी आदमी था तो उसके अंदर भय था, टाइम से ड्यूटी, टाइम से काम, जो भी सड़कें रोडें बनती थी उन गांव में, अगर अम्बेडकर गांव हुआ तो उस गांव से पैसा बच के जाता था। आज आलम सरकार का ये है कि 25%, 15%, 20% पैसा आता है।